नमस्कार, आप देख रहे हैं रादौर की आवाज़ नवदेश टाइम। पेश है फटाफट अंदाज में शहर की ताज़ा खबरें। यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद यमुना नदी के पार निचले इलाकों में स्थित खेतों में करीब 3 से 4 फुट पानी जमा हो गया है, जिससे किसानों के खेतों में खड़ी धान, गन्ने, हरे चारे व तिल की फसल जलमग्न हो गई है। पानी उतरने पर किसानों को नुकसान का आकलन किया जा सकेगा। उधर कच्चे किनारों पर भूमि का कटाव होने का खतरा भी बना हुआ है। फिलहाल यमुना नदी पर बने पुल के कार्य को भी यमुना नदी में आए पानी से नुकसान पहुंचा है। दोनों ओर किनारे क्षतिग्रस्त होने से पुल का निर्माण कार्य पूरा होने में और अधिक समय लग सकता है। पश्चिमी यमुना नहर में धोला गाँव के रकबे में पड़ने वाली करीब 4 एकड़ भूमि पर सिंचाई विभाग ने कब्जा लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सिंचाई विभाग की इस भूमि पर घेसपुर गांव के एक व्यक्ति का लंबे समय से कब्जा था और वह इस भूमि पर खेती कर रहा था। मामला कोर्ट में चल रहा था। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 15 सितंबर को कोर्ट ने फैसला विभाग के हक में सुना दिया है। सिंचाई विभाग के SDO रुवन गर्ग व जेई सौरभ ने बताया कि मामला करीब 6 वर्ष से कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट का फैसला विभाग के हक में आया है। जमीन को दरियाबुर्द किया जा रहा है। कार्य पूरा करने में अभी 2 से 3 दिन का समय और लगेगा। JMIT कॉलेज में छात्र प्रेरण कार्यक्रम 2022 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ सरस्वती वंदना व वैदिक हवन के साथ किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के महासचिव रमेश कुमार व पंडित ज्ञान प्रकाश शर्मा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। हवन यज्ञ में आहुति डालकर छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। संस्थान के निदेशक डॉक्टर संजीव गर्ग ने प्रौद्योगिकी व प्रबंधन के प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को संस्थान के उद्देश्य से अवगत करवाया। साथ ही उन्होंने पाठ्य चर्चा के साथ साथ प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उद्योगों की जरूरत के अनुसार विद्यार्थियों को प्रायोगिक कार्य में दक्षता हासिल करनी होगी। रादौर के गांव कुंजल में किसान को बैंक लोन न चुकाने पर पुलिस की मदद से घर खाली कराने के आदेश का विरोध करने का भारतीय किसान यूनियन ने निर्णय ले लिया है, जिसके तहत 28 सितंबर को जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर के नेतृत्व में किसान प्रशासन की इस कार्रवाई का डटकर विरोध करेंगे। यह जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक प्रधान अशोक डांगी ने बताया कि आज किसान के ऊपर सरकार की मार के साथ साथ कुदरत की मार भी बहुत भारी पड़ रही है। किसान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। सरकार को ऐसे में किसान की मदद करनी चाहिए, न कि उन्हें परेशान करना चाहिए। रादौर व आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहे नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।